हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में, और ये वैकेंसी आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नती बोर्ड यानी कि यूपी सरकार की तरफ से ये वैकेंसी यहाँ पे निकाला जा रहा है। पद का नाम आपका जो रहने वाला है आपका हेड ऑपरेटर के लिए निकाला जा रहा है, यूपी से ये वैकेंसी निकाला जा रहा है, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जरूर देखिएगा क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको आवेदन करना है, इसके बारे में भी जानेंगे। आज से इसका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो एक बार जरूर वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, उसके बाद से ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। सिलेबस के बारे में हम देखने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पोस्ट जो आपका रहेगा वो आपका हेड ऑपरेटर मैकेनिक का यहाँ पर पोस्ट आपका रहने वाला है। 6 जनवरी को इसका यहाँ पे जो विज्ञापन था वहाँ पर जारी कर दिया गया था, लेकिन 20 तारीख से यानी कि आज से इसका आवेदन यहां पे शुरू हो चुका है। कितना वैकेंसी निकाला गया है, तो 936 पद आपका निकाला गया है। कैटेगरी वाइज सीट आप यहां पे देख सकते हैं, यूआर के लिए यहां पे 379 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का भी कोटा आपको इसमें दे दिया गया है, और नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए इसमें 252 है, 195 सीट यहां पे एससी एसटी एससी के लिए, और 18 सीट आपका एसटी के लिए यहां पे निकाला गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीट भी इसमें आपको बता दिया गया है। एप्लीकेशन आपका 20 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कि आज से इसका ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, और 28 फरवरी तक इसका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट आपको रहने वाला है। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि यहाँ पे इस बोर्ड की तरफ से एक और वैकेंसी आपके लिए निकाला गया था, उसमें यहाँ पे जो आपका पद का नाम था वो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर था, तो असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी निकला था मैंने उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें जो कैंडिडेट प्लस टू किए हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स से, वो इसमें अप्लाई कर सकते थे, तो एक बार आप उसमें भी जरूर एक बार आप उसे भी जरूर वॉच कर लीजिएगा। और इसमें अगर बात करें आगे आपका यहाँ पे कि क्या इसके लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क है, तो आवेदन शुल्क आपके लिए यहाँ पे 400 रुपये यहाँ पे निर्धारित किया गया है सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद इसमें बात करें आपका कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है या इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा है इन किसी ब्रांच में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप इसमें अप्लाई यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको इसे बता दिया गया है। तो डिप्लोमा वाले जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन और सीएस वाले का यहाँ पे हमेशा से यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि स्टेट लेवल पे यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे कब निकल के आएगी उनके लिए, तो काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इसका फॉर्म भर के और बिल्कुल यहाँ पे तैयारी में लग जाइए। अगर बात करें आपका यहाँ पे कि इसके अलावा कुछ और यहाँ पे आपका डिजायरेबल में मांगा गया है, आपका यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि ये जो मांगा गया है कि आपका डिवेक एक आपका यहाँ पे कोर्स होता है, यानी कि नाइलेट एक संस्था है भारत सरकार का, उसमें एक आपका यहाँ पे कंप्यूटर में एक आपका ओ लेवल का एक आपका यहाँ पे कोर्स कराया जाता है। अगर आपने वो किया है, उसका प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आप इसमें जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें पूछा भी जाएगा, अगर आप है तो आप उसमें आप शो कर दीजिएगा। बाकी आपके पास यहाँ पे 2 वर्ष से अधिक का अगर आपने सेवा दिया है प्रशासनिक सेना में, तो भी आप वहाँ पे बता सकते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पे एनसीसी कैडेट कोर में आपके पास बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो इसका आपको बताया कि इसमें आपका क्या लाभ इसका होने वाला है इस सर्टिफिकेट को शो करने से। देखिए, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा अंक तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक अगर बराबर हो जाता है, तो उस दशा में आपको अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस जो है आपको मिल सकता है। तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल वहाँ पे शो कीजिएगा। बाकी आयु सीमा के बारे में बात करें, तो यहाँ पे 20 साल दिया गया है आपका मिनिमम जो एज लिमिट दिया गया है, वो आपका 1/7/2022 को 20 साल आपका यहाँ पे आयु कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 28 साल से आपका अधिक भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए 1/7/2022 को। तो कट ऑफ डेट आपका 1/7/2022 है, तो इस डेट को आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप और आसानी से समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1/7/1994 के पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और 1/7/2002 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, यानी कि जन्म नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा अगर आपके इनके बीच में है, तो आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पे एक एक बात आपको इसलिए क्लियर करते जा रहा हूँ कि ताकि आपका आवेदन करते समय कोई परेशानी आपको नहीं हो, और आवेदन करने के बाद आपको कोई मन में यहाँ पर डाउट्स नहीं रहे कि मेरा फॉर्म गलती हो गया या हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगा सिलेबस के बारे में, अभी हम वीडियो को लास्ट में हम देख लेंगे। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहने वाला है, तो पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें आपका ऑनलाइन लिखित आपका एग्जाम लिया जाएगा, जो कि 400 नंबर का आपका होने वाला है, और इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा अभी हम इस वीडियो को लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। पहले आप जान लीजिए कि पहला आपका CBT 1 होगा रिटन टेस्ट, और इसमें जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद कुछ इसमें फिजिकल आपका यहाँ पर टेस्ट भी रखा गया है। उसमें आप देख लीजिए, पहले तो आपका यहाँ पर जो यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षा होगा, उसमें आपका यहाँ पर जो भी हाइट होगा और यहाँ पर सीना होगा उसका यहाँ पर माप वगैरह लंबाई देखा जाएगा। उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है कि हाइट
साइट में आप देख लीजिए, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे होना चाहिए न्यूनतम, और जो अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सीना का जो दिया गया है, तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए आपको यहाँ पे न्यूनतम सीना का माप जो दिया गया है 79 सेंटीमीटर दिया गया है बिना फुलाने पर, और कम से कम आपका यहाँ पे 84 होना चाहिए आपका फुलाने के बाद, यानी कि आपका यहाँ पे एक्सपेंशन के बाद। और उसके बाद यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए यहाँ पे 77 सेंटीमीटर दिया गया है बिना फुलाने पर, और फुलाने पर आपका यहाँ पे 82 सेंटीमीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम आपका 5 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे सीने का फुलाव जो है यहाँ पे अनिवार्य है। तो कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, बाकी आप फॉर्म भर के अपना फिजिकल वगैरह पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बाकी महिला अभ्यर्थी के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, उनके लिए जो यहाँ पे हाइट 152 सेंटीमीटर दिया गया है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए, और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 147 सेंटीमीटर मिनिमम आपका हाइट यहाँ पे होना चाहिए महिला के लिए। वजन के लिए इनमें दिया गया है, तो महिलाओं का वजन आपका यहाँ पे 40 किलोग्राम आपका यहाँ पे न्यूनतम जो है होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको बताया गया है, तो ये पहले आपको जाँच किया जाएगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद इसमें आपका दौड़ भी रखा गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत, इसमें आपका यहाँ पे 4.8 किलोमीटर आपका दौड़ रखा गया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और जो कि आपको 28 मिनट में पूरा करना है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए आपको यहाँ पे 2.4 किलोमीटर रखा गया है जो कि आपको 16 मिनट में आपको यहाँ पे पूरा करना है। तो यहाँ पे आपका कुछ दौड़ का क्राइटेरिया है, साथ में आपका यहाँ पे शारीरिक मापदंड भी है, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। तो आशा है कोई आपको डाउट्स नहीं होगा, और अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर दबा दीजिएगा। तो ये था यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए आप अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बताया गया है कि जो भी यहाँ पे आपका आरक्षण होगा वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मूल जो अभ्यर्थी है उनके लिए ही यहाँ पे मान्य आपका रहने वाला है, तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें कि जो आपका यहाँ पे आपके रिटर्न जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है इसमें जो आपका एग्जाम जो आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन उसका आप सिलेबस आप ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला पेपर आपका यहाँ पे जनरल हिंदी का रहेगा, जिससे आपसे जो प्रश्न रहेंगे वो आपका 100 प्रश्न आपसे रहने वाले हैं। उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे विज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, और साथ में आपका जो साइंस है उससे प्रश्न रहेंगे, इससे भी आपका 100 अंकों का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और तीसरा आपका यहाँ पे संख्यात्मक यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा से आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें जो आपका सिलेबस आपके बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि न्यूमेरिकल एंड यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा। तो इस तरह से सिलेबस आपको यहाँ से दे दिया गया है। बाकी चौथा जो इसमें पार्ट रहेगा वो आपका यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट या आपका यहाँ पे रीजनिंग टेस्ट, तो यहाँ पे रीजनिंग का यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इससे भी प्रश्न रहेंगे। और इसमें इस तरह से कुछ आपका सिलेबस का पैटर्न रहने वाला है, किसमें कौन सा टॉपिक है उसके बारे में भी आपको पूरा इसमें आपको बता दिया गया है, तो एक एक पॉइंट इसमें आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप सिलेबस का पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी में जो है आप वहाँ पे लग जाइएगा। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है, और इसके बाद से जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनके बाद उनका फिजिकल वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया, फिर भी कोई डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाकर जरूर पूछ लीजिएगा। 20 तारीख से इसका आवेदन शुरू हो चुका है, और मैं एक बार और आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे रेडियो स्वर्ण में ही आपको यानी कि इसी डिपार्टमेंट में आपको एक और वैकेंसी जो निकल के आया है आपका असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, इसमें जो कैंडिडेट यहाँ पर 12th किए हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स उनका सब्जेक्ट है, तो उसमें आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप उस वैकेंसी को भी जरूर वॉच कर लीजिएगा, जिनके पास डिप्लोमा नहीं है तो उनके लिए भी यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, मैंने उसके बारे में पहले ही वीडियो बना दिया था, ये वीडियो बाकी था तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको यहाँ पे अपडेट दे दिया जाए। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं आज से इसका आवेदन शुरू हो चुका है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें आप अप्लाई कीजिए और अपना तैयारी में लग जाइए। अच्छा आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जो भी डिप्लोमा के लिए है, और साथ में जो प्लस टू के लिए भी वैकेंसी निकाला गया जिनके पास साइंस बैकग्राउंड है तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी निकल के आया है, तो आप देख लीजिएगा। और जो भी लिंक होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इससे जुड़ी अपडेट हो आपको इस चैनल पर मिलते रहे, और साथ में इस चैनल पर आपको जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल से जुड़ी वैकेंसी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।